कभी किसी से प्यार हो जाए ना तो उसको एकदम एकांत रखना, पब्लिक मत करना। ये दुनिया वाले ना बड़े जालिम होते हैं, आपके प्यार को सरेआम क्या कर देंगे, बदनाम कर देंगे। ये प्यार को कहानी में तो बहुत अच्छा बताते हैं कि प्यार ये है वो है इतना अच्छा है, लेकिन जैसे ही आपके प्यार के बारे में इनको पता चलेगा ना तो ये खुलेआम आपको क्या कर देंगे, बदनाम कर देंगे। तो इसलिए इसको एकदम सीक्रेट रखिए। दोस्तों आज आपका स्वागत है एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं सिनोनिम्स के बारे में, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है वह पूछा जाता है इससे प्रश्न, इससे दो तीन सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए बिना वक्त गवाए आज के इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो है परफ्यूम का सिनोनिम बताना है। परफ्यूम, हम लोग परफ्यूम यूज़ करते हैं दमदमाने के लिए, लगाते हैं कहीं शादी विवाह में, कोई पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो लगाते हैं परफ्यूम। तो परफ्यूम को इत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं बहू, इत्र। और इस इत्र का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, सेंट होगा। इत्र का सिनोनिम क्या होता है बहू, सेंट, SCENT, सेंट। सेंट मतलब भी क्या होता है, इत्र। देखिए यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि सिनोनिम का मतलब क्या होता है। सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। क्लियर है बाबू। वे मतलब क्या होता है, तो WAY वे मतलब क्या होता है बाबू, रास्ता होता है। और प्लेन मतलब तो जानते ही, सादा होता है। हंट मतलब होता है शिकार करना, हंट मतलब क्या होता है बाबू, शिकार करना। और इसी से एक शब्द क्या बना है, तो इसी से एक शब्द बना है हंटर। क्या बना बाबू, हंटर। हंटर मतलब क्या होता है, शिकारी। हंटर मतलब क्या होता है, शिकारी। यहाँ पे हमारा बिल्कुल ऑप्शन बी क्या है, सही है। देखो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है द बस केम टू एन अब्रप्ट होल्ट। देखिए एक शब्द है अब्रप्ट और इसका आपको सिनोनिम लिखना है। अब अब्रप्ट का सिनोनिम क्या होता है, तो अब्रप्ट का मतलब होता है एकाएक, अचानक, एकाएक या अचानक। आप लोग देखते ना बस वाला स्पीड में जा रहा है, एकाएक ब्रेक मारा है ऐसे, क्लियर है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, अब्रप्ट, सडन, अचानक। अब यहाँ पर देखिए इसका जो सिनोनिम होगा, मैं बोल चुका हूँ कि इसका सिनोनिम क्या होगा, सडन। सडन से ही एक शब्द क्या बना है, सडनली। सडन से ही एक शब्द क्या बना है, सडनली। सडनली का मतलब क्या होता है, अचानक से। सडनली का मतलब होता है अचानक से। स्लो का मतलब क्या होता है बाबू, धीमा। स्लो का मतलब क्या होता, धीमा, धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना। फ्रेंडली, दोस्ताना, क्या है, दोस्ताना। और अनहरीड का मतलब क्या होता है, देखो हरीड मतलब जल्दीबाजी में, और अनहरीड का मतलब होता आराम से, एकदम सुस्त तरीके से, कोई जल्दीबाजी में नहीं। तो यहाँ पे एब्रप्ट का जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सडन हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, सिनोनिम लिखना है किसका, मेलोडिश, मधुर। किसका लिखना है, मेलोडिश मतलब होता मधुर, वैसा संगीत जो सुनने में एकदम मधुर लगे, सुकून दे कान को सुन करके। फाइन मतलब क्या होता, अच्छा या सुंदर। फाइन मतलब क्या होता, अच्छा या सुंदर। जर्नी मतलब क्या होता गुरुजी, यात्रा। म्यूजिकल मतलब भी क्या होता है, तो म्यूजिकल मतलब होता है संगीत, वैसा संगीत जो मधुर हो, जो कर्ण प्रिय हो, जो कान को अच्छा लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूजिकल। और यहाँ पर देखिए क्या है, ग्रीफ मतलब होता है दुख या शोक। ग्रीफ मतलब क्या होता है, दुख या शोक। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना। देखो जी अगला सवाल क्या है, सिनोनिम ऑफ थिन। थिन मतलब क्या होता है, पतला, दुबला। और इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, देख लेते हैं जल्दी से। क्लियर मतलब क्या होता है, साफ। फास्ट मतलब क्या होता है, तेज। अमाउंट का मतलब क्या होता है, मात्रा। और स्लिम मतलब क्या होता है, स्लिम मतलब पतला बोलते हैं ना, देखिए उसका फिगर कितना स्लिम है, आई नीड स्लिम फिगर बोलते हैं, तो ये स्लिम मतलब क्या होता है, पतला दुबला, ठीक है ना। और इसका जो है वह सिनोनिम क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखो गुरुजी अगला क्वेश्चन क्या है, सिनोनिम बताना है किसका, पार्डन का। क्या है, पार्डन। पार्डन मतलब क्या होता है, क्षमा करना। पार्डन मतलब क्या होता, क्षमा करना, जाओ तुमको क्षमा कर दी, ठीक है। अब क्षमा करना, अब यहाँ पे देखिए पहला जो शब्द है वो है काम। काम का मतलब होता है शांत, एकदम आराम से। क्लियर। फॉरगिव का मतलब क्या होता है, फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना। फॉरगिव का मतलब क्षमा करना। आर्ट का मतलब क्या होता है, आर्ट का मतलब होता है विषम, जो सबसे अलग हो, सबसे अलग हो, सबसे जुदा हो, ठीक है ना, सबसे जुदा हो, तेरी अदा हो। अब देखिए स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, तो स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी।
कोई अजनबी मेरे दिल में यूँ समाया जैसे कोई मेरे यहाँ अंग्रेजी पढ़ने आया। अब देखो यहाँ पे क्या है गुरुजी, यहाँ पे पार्डन मतलब क्षमा करना और फॉरगिव मतलब भी क्या हो जाएगा, क्षमा करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट करके बताओ कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्लियर है। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कृपा बनी रहेगी। आगे देखो क्या है, सिनोनिम ऑफ रॉबर, रॉबर का सिनोनिम बताना, जल्दी से बताओ रॉबर का सिनोनिम क्या होगा। रॉबर मतलब क्या होता है, डाकू, क्या होता है, डाकू। और इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, ठीक मतलब होता है चोर, चोर का एडवांस रूप क्या है, डाकू। गार्ड मतलब होता है रक्षक, रक्षा करने वाला। और मैन मतलब तो जानते हैं आदमी, पीपल मतलब क्या होता है, लोग। अब देखो गुरुजी क्या है कि रॉबर का जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा थीफ, ऑप्शन एक सही है ना। आगे चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, गेन, जी ए आई एन, गेन का आपको सिनोनिम बताना है। गेन मतलब क्या होता है, तो गेन मतलब होता है फायदा, गेन मतलब होता है फायदा, या गेन मतलब होता है प्राप्त करना किसी चीज को, गेन मतलब होता है फायदा या गेन मतलब होता है प्राप्त करना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लॉस मतलब क्या होता है, नुकसान, प्रॉफिट मतलब क्या होता है, फायदा, हेल्प मतलब क्या होता है, मदद करना, और पुअर मतलब क्या होता है, बाबू गरीब। अब बताओ हेल्प मतलब होता है मदद या मदद करना, कुछ भी कर सकते हो। अब यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, क्लियर है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल सही है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे नो रिस्क नो गेन, बिना रिस्क का कोई गेन नहीं होता है, और जब तक आप गेन नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगी। आगे देखो क्या है, अगला सिनोनिम बताना है जनरल का। बोलते हैं ना बहुत जनरल डब्बा में चढ़ क्या है, जनरल मतलब नॉर्मल जिसमें सब लोग जाता, जनरल मतलब सामान्य जिसमें सब लोग जा रहा है, अच्छा से अच्छा लोग, सामान्य। और नॉर्मल मतलब क्या होता है, सामान्य, नॉर्मल मतलब ही क्या होता है, सामान्य। तो जनरल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, नॉर्मल। बाकी डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, जिला, पीपल मतलब क्या होता है, लोग। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सभी क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है, और ये वीडियो को एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, एकदम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है इसमें, इसलिए आप छोड़ करके कहीं मत जाइएगा, चिपक के रहिएगा, लास्ट तक रहिएगा एकदम फेविकॉल के साथ। आगे चलिएगा, हर्मिट, हर्मिट मतलब क्या होता है, सन्यासी, सन्यासी, चल सन्यासी मंदिर में, वही वाला। देखो यहाँ हर्मिट। और यहाँ पे रोबर मतलब क्या होता है, डकैत। अब डकैत जो है वो सन्यासी मंदिर में जा करके क्या करेगा, कुछ नहीं। थीप चोर, चोर को भाई चोरी करने से फुर्सत मिले तब तो कहीं जाएगा। एक है प्रिस्ट मतलब पुजारी, पुजारी में वो देखो पूजा पाठ करने से फुर्सत मिलेगा तब तो कहीं जाएंगे। और मॉन्क मतलब भी क्या होता है, सन्यासी, मॉन्क मतलब सन्यासी। सभी सन्यासी पुजारी हो सकते हैं लेकिन सभी पुजारी सन्यासी नहीं हो सकते। बहुत लोगों का कमेंट आता है, सर इसका तो सिनोनिम प्रिस्ट भी होगा। मैंने आपको बता दिया शॉर्टकट में, आप इतना याद रखना कि सभी सन्यासी प्रिस्ट हो सकते हैं, सभी प्रिस्ट सन्यासी नहीं होंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मॉन्क, क्लियर है। आगे चलो जी, देखो यहाँ पे क्या है, जर्नी, जर्नी मतलब क्या होता है, यात्रा। क्या है, यात्रा, ये जीवन यात्रा, लाइफ क्या है, यात्रा, जर्नी। और हम लोग क्या है, ट्रैवलर हैं, यात्री हैं, हम लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जीवन चलते रहती है। तो बस जर्नी का जो सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रिप। क्या है ट्रिप, ट्रिप मतलब क्या होता है, यात्रा। बोलते हैं चलो कहीं लॉन्ग ट्रिप में चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव में चलते हैं। कहाँ का ट्रिप बनाओगे, पुरी का बनाओगे, शिमला का बनाओगे, बोलते हैं ट्रिप, यात्रा, जर्नी। रोड मतलब सड़क, माउंटेन मतलब क्या होता है जी, माउंटेन मतलब होता है पर्वत, पहाड़, पर्वत, क्लियर। और यहाँ पे बस का मतलब तो जानते ही, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो सो क्या है, मर्डरर, माफ करें मर्डर, मर्डर मतलब क्या होता है, हत्या, मर्डर मतलब क्या होता है, हत्या। और हत्या करने वाला जो मर्डरर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मर्डरर, मर्डरर मतलब होता हत्यारा, जो हत्या करने वाला हो। अब देखो यहाँ पे क्या बोश, मर्डरर का जो है वह हत्यारा मतलब होता है, और मर्डर मतलब होता है हत्या करना, यानी किल करना, किल मतलब मार देना, क्या करना, मार देना। डेथ मतलब होता है स्वाभाविक रूप से मृत्यु जो होती है। अब किल मतलब क्या होता है, मारना किसी को, जान से मार देना। अलाइव मतलब क्या होता है, जिंदा, जिंदा। और डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय यहाँ पे देखिए क्या है, ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखो क्या है अगला, सिनोनिम ऑफ काइंड, काइंड मतलब क्या होता है, काइंड मतलब दयालु, जिसके पास दया हो, जिसके पास क्या हो, दया हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मर्सीफुल मतलब भी होता है दयावान,
अब स्वाभाविक है कि जिसके पास दया होगा वो क्या कहलाएगा, दयावान कहलाएगा। गुड मतलब अच्छा होता है आपके जैसा, हैप्पी मतलब खुश आपके जैसा, और बैड मतलब बुरा, अब बताएंगे नहीं किसके जैसा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक मर्सीफुल, यानी काइंड का जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू, मर्सीफुल ऑप्शन एक। स्पष्ट है ना। आगे देखो बॉस, क्वेश्चन है अपेक, अपेक मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, अपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता उसको बोलते हैं अपेक, अपेक मतलब अपारदर्शी। अब अनक्लियर, क्लियर मतलब साफ साफ, अनक्लियर मतलब अस्पष्ट, अस्पष्ट मतलब क्या होता है, जिसके आसपास देखा नहीं जा सकता, प्लेन मतलब सादा, फुट मतलब पैर, क्लियर मतलब साफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, यहाँ पे अपेक का जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनक्लियर। ठीक है ना बॉस, आगे चलो देखो यहाँ पे क्या है, रेनी बरसात के दिन आए हैं, मुलाकात के दिन आए हैं, वही रेनी बरसात, ठीक है बारिश। अब देखो यहाँ पे क्या, रेनी मतलब होता भीगा भीगा, भीगा भीगा है शमा ऐसे में हम कहाँ, एकदम देखो यहाँ पे भीगा, और वेट मतलब भी क्या होता है, भीगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, रेनी का जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। क्लाउड मतलब क्या होता, बादल, क्लाउड मतलब क्या होता, बादल। चले आगे, उड़ते बादल से पूछो, बहती नदियां से पूछो, देखिए यहाँ पे क्या है, रेशेस, रेशेस का मतलब होता है अवकाश, थोड़ा देर के लिए गैप मिलता है अवकाश, आप लोग पढ़ते पढ़ते पानी वानी पीने के लिए चल जाते हो, मौज करते हो, रेशेस। और इसका जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, इंटरवल, मूवी वगैरह में सिनेमा हॉल में क्या होता है, इंटरवल होता है ना, थोड़ा देर के लिए जाके पॉपकॉर्न वगैरह खाओ, ऐश करो, गपशप करो पार्टनर के साथ। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आपका जो रेसेस का जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटरवल हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, रोटेशन का सिनोनिम बताना है, रोटेशन घुमाओ, रोटेशन। अब इसका जो सिनोनिम हो जाएगा क्या करना, टर्न करना, इन लो इधर टर्न कर दिया, टर्न कर दिया, टर्न कर दिया, तो रोटेशन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो रोटेशन का सिनोनिम हो जाएगा टर्निंग, ऑप्शन नंबर एक। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता, रेक्टेंगल का मतलब होता आयत, स्क्वायर मतलब क्या होता वर्ग, ओवल मतलब क्या होता अंडाकार। अब तुम ही बता दो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर एक। आगे चलो जी, अगला क्या है देखो जी गुरु जी, टॉकेटिव, टॉकेटिव का मतलब होता बक 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 करने, बक बक करना, या बक बक करने वाला जो फटर फटर करते रहता है, चुप नहीं रहता है, टॉकेटिव। और उसको सिनोनिम गॉसिपी, गॉसिपी मतलब भी क्या होता है, गपशप करने वाला, बनबन करने वाला, बकबक करने वाला, राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। यानी टॉकेटिव मतलब होता है वन हु टॉक्स टू मच, क्या होता है, वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत अधिक बोलता है, जो बहुत अधिक बोलता है, क्लियर है। आगे चलो देखो यहाँ पे वैकेंट का सिनोनिम बताना, वैकेंट मतलब खाली होता है, वैकेंट मतलब क्या होता है, खाली। और एम्प्टी मतलब भी क्या होता है गुरुजी, खाली। तो वैकेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो वैकेंट का सिनोनिम हो जाएगा एम्प्टी, ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सॉफ्ट मतलब क्या हो जाएगा, मुलायम। और हार्ड मतलब क्या होता है, कठोर या कड़क। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन एक होगा। आगे देखिए गुरु, जेस्ट, आहा जेस्ट, जेस्ट मतलब क्या होता है, उत्साह, उमंग, जोश। और यहाँ पे देखिए क्या है कि जब जोश आता है, उत्साह आता है, उमंग आता है, तो एक चार्मिंग हमारे अंदर क्रिएट होती है, हम लोगों के अंदर एक चार्म आ जाता है, चेहरे पे चमक आ जाती है, खुशी आ जाती है। तो चार्म मतलब ये होता है उत्साह, चमक, उमंग, उत्साह, जो कुछ भी कहें। ब्यूटी मतलब क्या होता है, सुंदरता, ब्यूटी मतलब क्या होता है, सुंदरता। ब्लेश मतलब क्या होता है, आशीर्वाद, ब्लेश मतलब क्या होता है, आशीर्वाद, क्लियर है। आगे देखो गुरु जी, बैंडिट, मूवी का नाम सुने होंगे आप लोग, बैंडिट मतलब चाकू, लुटेरा, बैंडिट क्वीन एक मूवी का नाम था, याद है ना, आप लोग देखे होंगे। और बैंडिट मतलब होता है डाकू। और इसका जो सिनोनिम होगा, गुडमैन नहीं, पीपल नहीं, रॉबर, यस रॉबर मतलब क्या होता है, डाकू, पॉलिटिकल मैन, राजनीतिक आदमी, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आगे चलते हैं, आगे सिनोनिम ऑफ बैरन, बैरन मतलब क्या होता है जी, बैरन मतलब होता बंजर, बंजर भूमि उसको बोलते हैं बैरन। और इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, डेजर्ट, मरुभूमि। डेजर्ट मतलब भी क्या होता है, मरुभूमि, उसमें कुछ होता नहीं है,
मरुभूमि में क्या होगा? कुछ होगा जी? कुछ नहीं होगा। मरुभूमि, मरल भूमि को मरुभूमि कहते हैं। इसमें क्या होगा? उपजेगा नहीं कुछ, तो उसको हम लोग बैरन बोलेंगे। गार्डन मतलब क्या होता है? बगीचा। रिवर, नदी, पार्क तो जानते हैं, जहाँ आप लोग ऐश मौज करने जाते हैं। देखो आगे, विपुर मतलब होता है पहले। विपुर मतलब क्या होता है? पहले। और इसका आपको बताना है क्या सिनोनिम। अब इसका अगर एंटोनिम पूछता तब तो आफ्टर हो जाता, लेकिन विपुर मतलब क्या होता है? पहले। तो पहले मतलब अर्लियर, पहले का मतलब अर्लियर, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्लियर मतलब पहले का, विपुर मतलब भी पहले का। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखो जी, क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ अमंग। अमंग जो है ना, अमंग मतलब होता है किसी के बीच में। देखो यहाँ ध्यान से, यस, किसी के बीच में। अब मान लो बहुत सारे लोग हैं और उसके बीच में कोई है, उसके बीच में कोई है, दैट इज कॉल्ड अमंग। क्या बोलते हैं इसको? अमंग। और दो लोगों के बीच में कोई है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं गुरु जी? बिटवीन। क्या है? बिटवीन। यानी राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अमंग मतलब बहुत सारे लोगों के बीच, और बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच। तो यहाँ पे इसका जो अमंग का सिनोनिम होगा वो क्या होगा? बिटवीन हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार है सारा का सारा। एक बार वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दो। सॉर्डिड, देखो यार, सॉर्डिड का मतलब क्या होता है? सॉर्डिड का मतलब होता है गंदा, घिनौना, मैला, मैला, गंदा, घिनौना। अब ध्यान से देखो, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका सिनोनिम हो जाएगा क्या? डर्टी। एक मूवी है डर्टी पिक्चर, देखे हो ना? आगे देखो यहाँ पे, डेंजरस मतलब क्या होता है? खतरनाक, खतरनाक। क्लियर है ना? अब स्प्लेंडेड मतलब होता है शानदार, एकदम जानदार, मज़ेदार। हार्मफुल मतलब क्या होता है? हार्मफुल मतलब होता है नुकसानदेह, जो नुकसान पहुँचाता, नुकसानदेह। क्लियर है ना? बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या है सिनोनिम ऑफ हार्ड। हार्ड का मतलब होता है क्या? झुंड, भीड़, समूह, समूह, झुंड, भीड़। देखो यहाँ पर, और यहाँ पर देखो क्या है, स्टार मतलब भी क्या होता है? एसटीआर या स्टोर मतलब होता है भिंड, झुंड, समूह। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड मतलब क्या होता है? छुपना। और डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना। तो कुल मिलाकर बात करें, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो गुरुजी, डैफ्ट, बड़े ही मज़ेदार वर्ड। एक होता ना DAFT, डैफ्ट। इस डैफ्ट का मतलब होता है जंगली, पागल, धूर्त, कुछ भी कह सकते हो, कन्फ्यूज़न होता अक्सर। और एक DFT डैफ्ट का मतलब होता कुशल, जो अस्किल्ड बोलते हैं, कुशल, तेज तरार, जिसके पास बहुत सारा हुनर हो, ठीक है ना? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं स्किलफुल। क्या बोलते हैं बाबू? स्किलफुल, यानी ऑप्शन एक सही है। अब देखो यहाँ पे, क्लमजी मतलब क्या होता है? भद्दा, भद्दा, पेट निकल जाता लोगों का, कितना भद्दा लगता है, बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या, विग्रस, विग्रस मतलब होता है उत्साही, जोशीला। और डिसाइटफुल मतलब होता है धोखेबाज, डिसाइटफुल मतलब होता है धोखेबाज। तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, डिसाइटफुल नैना। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या, प्लस, प्लस मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब यहाँ पे क्या होता था? मलमल, मलमल का कुर्ता, याद है ना? मलमल, मखमल। अब मलमल का कुर्ता पहनिएगा तो आराम लगेगा, बड़ी मजा आएगा, एकदम कंफर्टेबल, मलमल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मलमल का मतलब होता है कि वैसी चीज़ें जो आराम दे, आरामदायक चीज़ें। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लग्जरियस, जो आरामदायक है। और डिलीशियस का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। क्या होता है? स्वादिष्ट, खाने में जो मजा है, एकदम चटपटा। टेस्टी मतलब होता है स्वादिष्ट, जिसको खा करके एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाए, मस्त हो जाए। और लग्जरियस मतलब क्या होता है? आराम की जिंदगी, शान शौकत की जिंदगी, मजे की जिंदगी, दैट इज कॉल्ड लग्जरियस। आगे देखो, एराडिक, एराडिक का मतलब होता है उन्मूलन करना, उन्मूलन करना, या जड़ से समाप्त करना, जड़ से समाप्त करना, किसी चीज़ को जड़ से समाप्त करना या उन्मूलन करना। और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट का मतलब होता है विलोपन, विलोपित कर दो, उसको समाप्त कर दो। यानी इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है क्या? किसी चीज़ को समाप्त करना। डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित करना, तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ कि देश की धरती तुझे कुछ और दो। अब इंडिकेट मतलब होता है इशारा करना,
आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, वही वाला एक बार। और ये कॉम्प्लिकेट मतलब होता है किसी चीज़ को जटिल बनाना, है ना। कुछ लोगों का आदत होता है छोटा बात को तिल का ताड़ बना देगा, कॉम्प्लिकेट कर देगा उसको, कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। तो कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है जटिल, और कॉम्प्लिकेट मतलब होता है जटिल करना, जटिल बनाना। आगे चलो जी, अगला क्वेश्चन क्या है, डेस्टिट्यूशन। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा शब्द है, मस्त वाला एकदम, इसका सिनोनिम बताना डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एकदम गरीबी, निसहाय, बेसहारा, बेसहारों का सहारा। बनना चाहिए ना आप लोगों को भी, पढ़ोगे तब ना बनोगे, पढ़ोगे मेहनत करोगे तभी बेसहारों का क्या बनोगे, सहारा बनोगे। आजकल सब लोग बेसहारों का सहारा नहीं होता, आजकल सब लोग बेसहारों का क्या उठा लेता है, फ़ायदा। लेकिन आप लोग जो है अच्छे बनो, क्योंकि एडुकेशन का मतलब वही होता है बेसहारों का सहारा बनना, गलत और सही में फ़र्क समझना, नैतिकता और अनैतिकता में क्या अंतर है ये समझना। जॉब का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि सिर्फ नौकरी ले लें और अपना जीवन यापन कर लें। जीवन यापन करने के लिए तो बहुत सारे धंधे हैं, तो पढ़ना क्यों ज़रूरी है। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि समाज को बदलना है, और समाज को बदलने के लिए आपको इन सब चीज़ों को करना होगा। जो बेसहारों हैं, जो बेसहारा लोग हैं उनको सहारा देना पड़ेगा। अच्छे और गलत में आपको फ़र्क करना होगा, नैतिक और अनैतिक में क्या फ़र्क है ये जानना होगा। आगे देखिए क्या है, डेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, तो गरीबी, निसहाय, बेसहारा। अब इसका मतलब देखो, सिनोनिम पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब ही क्या होता है, गरीबी। पॉवर्टी मतलब क्या होता है, गरीबी। एडिक्वेसी मतलब होता है किसी चीज़ की प्रचुरता, भरपूर, भरल पुरल। ह्यूमिलिटी मतलब होता है मानवता। मॉडरेशन का मतलब क्या होता है, एक तरह से शिष्टाचार कह सकते हैं। देखो आगे, शो, शो मतलब होता दिखाना। बहुत लोगों को दिखाने की आदत होती है, शो मतलब दिखाना, या शो मतलब दिखावा भी होता, दिखाते रहेगा एकदम ऐसे दिखाते रहेगा, एक्टिंग करते रहेगा, कोई देखे उसके तरफ भाई, वो खुद को इम्प्रेस करवाना चाह रहा है दूसरे के नज़र में, कोई उसको ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो ओवर एक्ट किए जा रहा है। भैया कोई तो देखो, कोई तो एक नज़र फेरो। लेकिन क्या है ना कि जो अच्छे लोग होते हैं वैसे लोगों पर नज़र ही ना फेरते हैं। तो सो मतलब क्या होता है, दिखाना या दिखावा करना। अब देखो यहाँ पे क्या, एग्जिबिट का मतलब क्या होता है, तो एग्जिबिट का मतलब भी होता है दिखाना या दिखावा करना या प्रदर्शनी करना, यूँ कह सकते हैं। एग्जिबिट का मतलब क्या होता है, दिखाना। अब इसी से एक शब्द बना है एग्जिबिशन। एग्जिबिशन का मतलब क्या होता है, प्रदर्शनी। क्या होता है गुरु जी, प्रदर्शनी। क्लियर है। और अब्रप्ट का मतलब पता है, अचानक। फॉरबिड का मतलब क्या होता है, मना कर, वहाँ मत जाओ, शराब मत पियो, फॉरबिड। एनुअल मतलब क्या होता है, वार्षिक। क्या होता गुरु जी, वार्षिक, जो साल में एक बार आए जैसे परीक्षा। आगे चलो, आगे देखो क्या है, चेंज। चेंज मतलब क्या होता, बदल, जो पल पल बदले, जो बदल जाए, चेंज मतलब बदलना। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंसान की भी फितरत क्या होती है, बदलने की। मैंने आपको कहा कि जो बदलता है उसको बदलने दीजिए, चिंता मत कीजिए, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई कीजिए। बदलने वाले समय के साथ क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, और जिनको आना होगा वो खुद आ जाएंगे, जिनको जाना होगा वो चले जाएंगे, उनकी चिंता में व्यर्थ आप अपना जीवन मत बिताइए। आगे चलते हैं, क्या है, चेंज मतलब होता है बदलना, और इसका जो सिनोनिम होता है अल्टर। अल्टर मतलब ही क्या होता है, बदलना। रिन्यू का मतलब होता है फिर से नया करना, और रिव्यू का मतलब होता है फिर से एक बार देखना किसी चीज़ को। अगर मान लो कोई फॉर्म वगैरह भर रहे हैं या कुछ बनाए, एक बार रिव्यू कर लेते हैं, मतलब वापस से देख लेते हैं एक बार। और रिपीट का मतलब होता है दोहराना, राधे श्याम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे राधे राधे, रिपीट। आगे देखो क्या है, राइट आंसर क्या चला, ऑप्शन नंबर एक। अगला देखो क्या है, सिनोनिम ऑफ फ्रैग्रेंस। फ्रैग्रेंस का मतलब क्या होता है, सुगंध। बोलते ना, आह बहुत अच्छा लग रहा है, सुगंध। देखिए यहाँ पर, तो फ्रैग्रेंस का मतलब होता है सुगंध, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो होता है अरोमा। क्या होता है बाबू, अरोमा। अरोमा मतलब सुगंध। क्या होता है, सुगंध। क्लियर है। साइट मतलब होता है नज़ारा या दृश्य, नज़ारा। टच मतलब क्या होता है, छूना, प्यार से छूना, टच करना। अब देखो टेस्ट मतलब चखना, खाना। टेस्ट मतलब किसी चीज़ को चखना, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो गुरु जी, बहुत मस्त है। एनुअल, एनुअल मतलब होता है वार्षिक या सालाना, जो साल में एक बार आए। बर्थडे एनिवर्सरी है ना, मैरिज एनिवर्सरी, साल में एक बार आता है। कह रहा कि मेरा शादी हुआ नहीं, हो जाएगा, पढ़ोगे, पढ़ोगे तभी शादी होगी। बोलता सर उसका बिना पढ़े हो गया, होने दो। अब देखो यहाँ पे क्या है, एनुअल मतलब क्या होता है, वार्षिक, जो साल में एक बार आए। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
ईयरली, ईयरली मतलब क्या होता है, वार्षिक, जो साल में एक बार है, डेली तो जानते हैं, सेंचुरी मतलब सौ, ऑलवेज मतलब हमेशा, प्राय हमेशा, कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है। आगे देखो क्या है अगला, सच कंडक्ट डिजर्व रैप्रीमेंड। अब यहाँ पे रैप्रीमेंड शब्द का आपको जो है हुआ क्या बताना, सिनोनिम रैप्रीमेंड। रैप्रीमेंड का मतलब क्या होता है, डांटना, डांटना, फटकारना किसी को, अरे ऐसा नहीं करो, हल्ला नहीं करो, डांटना। रैप्रीमेंड मतलब क्या होता है, डांटना। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो रैप्रीमेंड मतलब डांटना होता है, और इसका जो सिनोनिम होगा रिवक, रिवक मतलब डांटना, और इसका एक सिनोनिम और होता है SCOLD, स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मतलब भी क्या होता है, डांटना। प्रेज मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान से प्यारे हो, तुम जान हमारे हो, ए प्रेज प्रशंसा करना, है ना, क्लियर है ना। अब देखिए क्या है यहाँ पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं आगे, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, कम से कम 5-7 लोगों को। देखो यहाँ पे, माय फ्रेंड वांट्स टू परस्यू अ कैरियर इन इंजीनियरिंग। मेरा फ्रेंड जो है वह इंजीनियरिंग में कैरियर आजमाना चाहता है, वो चाहता है कि हम जो है इंजीनियरिंग करें, परस्यू करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, यानी वो कैरियर ऑप्शन के रूप में जो है वह इंजीनियरिंग को लेना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू टेक इंजीनियरिंग एज अ कैरियर ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है वह परस्यू का सिनोनिम क्या हो जाएगा गुरुजी, टेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेक हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा, तो आप जो है जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।